मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी, सुप्रीम कोर्ट में 3 राज्यों के द्वारा याचिका दायर किया गया है। ये कौन किए हैं, किस लिए किए हैं, और ये याचिका में जो दायर किया गया है ये किस आधार पे किया गया है, ये बीएड वाले किए हैं या डीएड वाले किए हैं, और क्या इसमें संभावना है, क्या बीएड वाला जीत सकता है या फिर डीएड वालों के पक्ष में आएगा, सारा चीज पर मैं बात करूंगा। और एक मेरे साथी जो शिक्षक है ये अपने चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं कि बीएड वाले बाहर होंगे, तो मैं भी इनको चैलेंज करके बोल रहा हूं कि बीएड वाले कभी बाहर नहीं होंगे। और मैं जिस फील्ड में आया हूं, जिस केस में मैं आया हूं, इस केस में मैं 100% जीता हूं, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो आप जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं और बीएड वालों को टारगेट कर रहे हैं कि बीएड वालों को बाहर निकाल कर रहूंगा, देखते हैं कौन बचाते हैं, तो मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि बीएड वाले अपना हक लेकर रहेंगे, ये अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। डीएड वाले किस लिए लड़ रहे हैं, आपको लड़ना चाहिए था एनसीटी के गलत नियम से। और जो केस फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में 3 राज्यों के द्वारा, इसमें है पहला में यूपी, दूसरा में वेस्ट बंगाल और तीसरा में राजस्थान। राजस्थान पुनः एक बार फिर से बीएड वाले फिर से एक बार केस फाइल किए हैं, और इसमें केस में सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। और जितने भी स्टूडेंट हैं सारा बात ध्यान से सुनिएगा, और जो शिक्षा के बार बार जो चैलेंज करते हैं बीएड वाले बच्चों के साथ, बोलते हैं कि चाहे डराने का मंशा हो चाहे जो भी हो, बाकी जिस तरह से आप चैलेंज करते हैं, तो अगर लगता है कि आप जिता देंगे, आप बोलकर जिता देंगे, तो आज मैं भी आपके सामने बैठने के लिए तैयार हूं। हम लोग गलत नीति जो लाया था इसके खिलाफ हूं, हम लोग अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है कि ये बीएड वालों को क्यों लाया गया था प्राइमरी में। बीएड वालों को इसीलिए लाया गया था कि भाई शिक्षक कम थे तो लाया गया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बात किया गया, और जब आए, जब उनको शामिल किया गया 28/6/2018 को, और जब इससे उस गजट को देखते हुए बच्चे लोग तैयारी किए, और जब डीएड वाले भरपूर मात्रा में आ गए हो गए, तो इसके बाद हटा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ वाले गए, बीएड को जीत मिला। अब ये शिक्षक क्या बोल रहे हैं चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ वाले भी खुश ना हो, इनको लग रहा है कि बीएड वाले के पक्ष में आ गया, बीएड वाले काउंसलिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो 20 साल बाद भी इनको हटा दिया जाएगा, ये बोल रहे हैं अपने चैनल पे। तो मैं गारंटी दे रहा हूं कभी नहीं हटने वाले हैं, और ये केस जीते हैं, और ये जॉब भी करेंगे अपना, और ऐसा ही सारे स्टेट वाले जीतेंगे भी। ये जबरदस्ती किसी का हक नहीं मार रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? और ये केस कभी नहीं हारने वाला है बीएड वाले, जीत कर रहेंगे, प्राइमरी में शामिल होकर रहेंगे, बशर्ते एक शर्त है मेरा सारे बीएड साथियों से, हार कभी मत मानना, पीछे मत हटना, जिस तरह से रेगुलर काम कर रहे हो, रेगुलर आवाज उठा रहे हो, इसी तरह से अपना आवाज बुलंद रखना। यूपी वाले, यूपी की तरफ से डीएड वाले गए हैं कि फैसला को क्लियर करे, बहुत सारे जो 28/6/2018 को जो गजट आया था, इस गजट के मुताबिक से वेस्ट बंगाल में ज्वाइनिंग का टाइम आ गया है। अब ये बात कर रहे हैं कि जो फैसला जो दिए थे 11 तारीख को, उसको स्पष्ट क्लेरिफिकेशन को लेकर जो किए हैं वेस्ट बंगाल वाले किए हैं, और पूरा 300 से अधिक पेज पे केस फाइल किया गया है, और यूपी वाले 100 के करीब में जो केस फाइल किए गए, 100 के करीब इनका पेज है, उनका भी लंबा चौड़ा पेज है, और यहां वाला का भी जो है वेस्ट बंगाल वाले भी, तो पूरा निकाली के सिस्टम रख दिए हैं डीएड वाले, अकबकाए हुए हैं कि बस जल्दी से ज्वाइनिंग करा दे, क्योंकि सरकार जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट है इनका जजमेंट आ गया है, इसके आधार पर हम लोग को जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए और स्पष्ट करे जल्दी से। और पूरा लंबा चौड़ा केस है जो 29 नवंबर 2021 वाला केस पे लेकर मैटर किए गए हैं कि जो ज्वाइनिंग होगा, सॉरी जो चीज़ें होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए कब से लागू होगा, 11 अगस्त वाले से या 21 नंबर वाले से, कि 28/6/2018 वाले हैं तब से, जो कि छत्तीसगढ़ वाला मैटर में यहाँ पर क्लियर सामने आ रहे थे कि जो 11 अगस्त से पहले वाले में जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं, जितने भी आए हैं, उस सारे में बीएड वाले शामिल रहेंगे, तो इसको लेकर स्पष्ट करने को लेकर वेस्ट बंगाल वाले चैलेंज किए हैं, केस फाइल किया गया है, और इधर बीएड वाले राजस्थान से किए गए हैं, तो सारे अपने अपने केस फाइल कर रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टेट आएंगे, और ये एक तरह से बहुत ही घमासान मचने वाला है सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेकर। सारे स्टेट वाले आएंगे, सारे इस तरह से केस लड़ेंगे, ना इसमें बीएड वाले का गलती है और डीएड वाले जबरदस्ती कर रहे हैं इसमें। भाई जिस तरह का नियम निकाला गया था, जिस तरह का नियम था, इस नियम से चलिए आप। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो आप ही लोग तो गए थे केस लड़ने, आप ही लोग तो चाहते हैं कि बीएड वालों को हटा दिया जाए, तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से वो भी अपना चाहते हैं कि जो मेरा हक था वो मेरा हक मिले, और चैलेंज करते हैं आप चैनल पर आकर। और जितने भी मेरे बीएड के साथी हैं कभी मत हारिएगा, और जितने भी आपके सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो चाहे तो कोई भी चैनल वाले हो, उनको जरूर सपोर्ट करिएगा, उनका साथ जरूर दीजिएगा। जितने भी बीएड साथी है, करोड़ों की संख्या में बीएड साथी है, क्यों हार मानना भाई? अब अपने हक के लिए लड़ाई, आप अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, चैलेंज करते हैं आकर, डीएड वालों की तरफ से आकर बोलते हैं, आइए एक बार आप सामने आकर बैठिए, आइए लाइव में आइए, हम लोग दोनों सामने बैठते हैं, किसकी गलती है पता चल जाएगा। धमकियां मिलता है, धमकी देते हैं मुझे, बीएड वालों को धमकी मिल रहा है, तो बीएड वाले आपको समझा भी देंगे अच्छे से, और बीएड वाले को सोच रहे हैं धमकी से डरा देंगे, वो डरने वाले नहीं है। और सारा चीज का निचोड़, जितना भी जजमेंट आज तक आया है, जितना भी केस फाइल हुए हैं, सारा चीज मैं
कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, चाहे तो राजस्थान वाले हों, छत्तीसगढ़ वाले हों, मणिपुर वाले हों, चाहे तो फिर वेस्ट बंगाल वाले हों, यूपी वाले हों, सारा चीज़ का मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूँ। उनको ऐसे नहीं समझ में आता, बार बार मैं समझाने को उनको कोशिश करता हूँ। जितने भी बीएड साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, हर एक चीज़ पाने के लिए, हर एक जजमेंट, हर एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग को भी नॉलेज होना चाहिए। जितने भी बीएड साथी हैं भारी मात्रा में सपोर्ट करें, जितने भी चैनल आपके सपोर्ट में बात बोलते हैं, जितने भी आते हैं भारी मात्रा में सपोर्ट करें उनको। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, जो भी चीज़ें तुरंत आप तक पहुँच सके। और हम लोग कभी हारने वाले नहीं हैं बीएड साथी, ये मत गलत फहमी जिएगा कि वो आपको चिल्ला कर बोल देते हैं, ऐसे करके बोल देते हैं तो हम लोग पीछे हट जाए। और वो पता चल गया होगा बलसन चौराहा पे कि बीएड वाले पीछे हटने वाले हैं कि आगे आने वाले हैं। और इसके लिए लेकर हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान हो भी रहा है, प्लान के मुताबिक काम भी कर रहे हैं हम लोग, और सक्सेसफुल होगा भी प्लान। ये जो अन्याय किया जा रहा है बीएड वालों के लिए, ये अन्याय नहीं होना चाहिए अब। और जहां तक बात करते हैं बिहार का, कभी इधर तो बिहार में भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, सारे कोई का नजर है एनसीटी का गाइडलाइन, और एनसीटी ऐसा गलती नहीं करने वाला है। क्या लगता है एनसीटी गलती करेगा इस बार? नहीं करेगा, पूरा जांच विचार करके, पूरा एक्सप्लेन करके, सारे राज्य को बुलाकर, सारे का बैठक होकर, उसके बाद वो अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा एनसीटी, उसके बाद अपना गाइडलाइन देगा और उसके मुताबिक से काम होंगे, और ये बीएड वालों के पक्ष में आएंगे। और बीएड वाले भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लगातार जा रहे हैं और जाएंगे भी, क्यों नहीं जाएंगे? यूपी से गए हैं, कभी डीएड वाले जाते हैं, कभी बीएड वाले जा रहे हैं, क्योंकि अन्याय हुआ है, बीएड वाले अपना मांग रख रहे हैं, और ये जायज है मांग। तो चैलेंज करने का कोशिश मत करें कभी भी, जो आकर चैलेंज कर रहे हैं, धमकियां देते हैं सारे लोग, और जो धमकी आते हैं कमेंट में देते हैं, डर जाएंगे क्या ये बीएड वाले? कभी पीछे नहीं हटने वाले, इसके चक्कर में मत रहना। जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं सारे चीज़ को लेकर मैं कल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारा चीज़ समझाने वाला हूँ। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, जो भी जजमेंट है, जो भी फैसला, जो भी नोटिफिकेशन है, ये सारा चीज़ को लेकर। और एक और बात बोल रहे थे वो, सारा बात तो याद नहीं आ रहा, पर एक और बात बोल रहे थे कि कभी एसपीआरटी वाले में मैं बोला था कि रिजल्ट फंसेंगे। भाई इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, पहले कोई चीज़ बोलने का मतलब क्या होता है? पहले क्यों बोल रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला आएगा, उसके बाद आप बोलिएगा, पहले मत बोलिए। आप हर एक चीज़ में हाथ लगा देना है जल्दी से, कुछ भी आकर बक देना है, अभी फैसला आना बाकी है, वेट करें उसका। और जितने बीएड स्टूडेंट हैं भारी मात्रा में सपोर्ट करें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से। बीएड डीएलएड वाले जोर शोर से पूरे लगे हुए हैं, आप लोग को भी लगना है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में जीत मिला है, हरियाणा वाला मैटर में भी जो है एक बार और ऐसा मैटर हुआ था जिसमें जीते थे और ये जॉब भी किए थे लंबे टाइम तक, सबका ज्वाइनिंग भी हुआ था। तो जितने भी स्टूडेंट हैं बीएड वाले सावधान हो जाएं, और जिस तरह से आवाज़ उठ रहे हैं ट्विटर पे, पूरा अभियान चलाए, जहाँ सभी जगह ये बात पहुंचाना चाहिए। जितने भी चैनल वाले आपके सपोर्ट में, उनको सपोर्ट करें, और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। कल का जो भी जजमेंट आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी चीज़ें हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और मैं कुणाल भारद्वाज वादा करता हूं कि बीएड कभी नहीं हारने वाला, बीएड प्राइमरी में शामिल होकर रहेगा और अपना हक लेकर रहेगा, चाहे कोई कितना भी चैलेंज कर ले। और चैलेंज जो कर रहे हैं मेरे सामने आकर एक बार बात करें, मैं उनके लिए, मैं जो बात कर रहे हैं उनके लिए मैं वार्तालाप के लिए तैयार हूं, लाइव में आ जाए लाइव में, पर फालतू बात यहां पर मत बोले चैनल पे आकर, बीएड वाले के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जब और भी कोई इन्फॉर्मेशन, और भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, मेरा बोलने का मतलब है जो भी चीज़ें आप लोग एक्टिव रहें, हर वक्त एक्टिव रहें, हर एक चीज़ पर आप लोग मतलब नज़र रखें, नहीं एक्टिव रहिएगा तो ये दिक्कत होंगे, आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। और इस केस में हम लोग जिस मैटर चल रहा है उसमें हम लोग जीत मिलेगा हम लोग को, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट हैं, और जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सारे स्टूडेंट जुड़े रहना, और इस वीडियो को सारे जगह शेयर कर देना अपने जितने फ्रेंड सर्कल में है कि क्या मैटर चल रहे हैं, कहां से कौन कौन इस राज्य वाले केस फाइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ को लेकर पता चलना चाहिए, ठीक है? इस वीडियो को सब अपने आप देखने के बाद सारी जगह शेयर कर दीजिएगा।